क्या मणिपुर हिंसा में शामिल थे खालिस्तानी? क्या मणिपुर हुआ विदेशी साजिश का शिकार? भारत बनाम पाक, चीन और खालिस्तान की तिकड़ी? खालिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तान की आईएसआई के बीच का कनेक्शन जग जाहिर है, लेकिन अब भारत विरोधी ताकतें विवाद के नए केंद्र बना रही हैं। खालिस्तानियों और मणिपुर के लड़ाकों के बीच एक गठजोड़ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जिस हरदीप सिंह निज्जर नाम के इनामी खालिस्तानी आतंकी की हत्या का आरोप कनाडा भारत पर लगा रहा है, जिस निज्जर की वजह से कनाडा और भारत के संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, उस निज्जर के गुर्गे देश तोड़ने की नई साजिशें रच रहे हैं। कनाडा के जिस सरे गुरुद्वारे को निज्जर ने अपना बेस बनाया हुआ था, वही नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन के कनाडा चैप्टर के प्रेसिडेंट लियन गैंगटे को आमंत्रित किया गया था। इस मीटिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि मार्च महीने में मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा भड़क गई थी। कई दिनों तक चली इस हिंसा में दोनों ही समुदायों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। उस दौरान भी आरोप लगे कि म्यांमार के उग्रवादी संगठन इस हिंसा में शामिल होकर हथियार मुहैया करा रहे हैं। खालिस्तान और आईएसआई का गठजोड़ शुरुआती दिनों से ही जगजाहिर है और अब चीन भी इस साजिश में शामिल होता दिख रहा है। अलगाववादी संस्था जस्टिस फॉर सिक्स, जो विदेशों से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करती रहती है, उसने चीन को खालिस्तान रेफरेंडम का समर्थन करने की अपील की है और बदले में अरुणाचल के चीन में विलय को समर्थन देने की बात की है। भारत की ये दुश्मन अब कई मोर्चों का गठजोड़ तैयार कर साजिशें रच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की नजर उनकी हर हरकत पर है। उम्मीद है भारत विरोधी इन तत्वों पर जल्द कार्रवाई होगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।